बेटा बोल रहा हूँ मैं, सोचा कोई बच्ची गिरी है। 6,000 मैट्रिक टन स्टील और आयरन भी तो था भैया, लोहा नहीं था? लोहा ये पिलर के अंदर। अच्छा, इस पिलर के अंदर। ओके, यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह डाल सकते हो, जैसे कि हरी के व्लॉग्स के लिए बनाते हैं हम, हरी के वी, तो हरी के व्लॉग से जो भी ऑडियंस जुड़ी हुई हैं, सारे फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं, तो उन सभी की तरफ से एज 45 ले लेते हैं। कहाँ से है? इंडिया से, सारे के सारे इंडिया। ठीक है, हरी के व्लॉग्स के लिए नेक्स्ट कौन सी वाली हम करते हैं? आई प्लेस टू कंट्रीब्यूट, तो इसको मैं क्लिक करती हूँ, ये क्लिक किया एंड देन मैं ये सबमिट करती हूँ। सबमिट करते ही देखिएगा, आप देख पा रहे हो हरी के व्लॉग्स, जैसे ये अपना हरी के व्लॉग्स। दोस्तों, क्या आप कभी किसी की छाती के अंदर, किसी की चेस्ट के अंदर घुसे हैं? नहीं ना? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेचू के अंदर, उनकी छाती के अंदर। तो दोस्तों, इस स्टेचू का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया था और इस स्टेचू की लंबाई दोस्तों 182 मीटर यानी कि 597 फीट है दोस्तों, और यह दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा बन चुकी है दोस्तों। दोस्तों, इस स्टेचू के 5 जोन हैं। दोस्तों, यह स्टेचू 5 जोन में डिवाइडेड है। पहला जोन है दोस्तों बेस से लेकर के घुटने तक का, पहला जोन है दोस्तों स्टेचू के बेस से लेकर घुटने तक का। दूसरा जोन है घुटने से लेकर, दूसरा जोन है दोस्तों घुटने से लेकर कमर तक का। तीसरा जोन है दोस्तों कमर से लेकर छाती तक का, और चौथा जोन है दोस्तों छाती से लेकर कंधे तक का, और पांचवा और आखिरी जोन है दोस्तों कंधे से लेकर सिर तक का। दोस्तों, वीडियो में लगातार बने रहिए, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की छाती के अंदर का और वहां से बाहर का बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी एक विनती है आपसे कि दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और पैसा भी बहुत खर्च होता है, इसलिए दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आल पर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देने का मन करता है। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की छाती के अंदर। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। देखो गाइस, ये देखिए दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी और वल्लभ भाई पटेल जी। ओ माय गॉड, ये देखिए जो सबसे ऊंचे स्टैचूज हैं वर्ल्ड में, सबका हाइट के साथ कितने हाइट के हैं, कब बने थे, वो सब यहाँ पे लगा रखा है। ये आपने नाम सुना होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, चाइना में है, टेंपल बुद्धा। और ये है सरदार जी की 182 मीटर। Thank you.
अच्छा, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ इसका कंस्ट्रक्शन फेज। पहाड़ था, फिर उसको प्लेन किया, ये इसका बेस बनाया, और फिर धीरे धीरे करके ये इनकी फेज है, कैसे कैसे करके इसको बनाया गया। ये 4 नंबर ऊपर से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, 9, 10, ये देखें, ये अपना हो गया 10, ये 11, ऐसे करके फेस सबसे बाद में बनाया है, और ये फिर लास्ट स्टेप ही है। ये म्यूजियम है, म्यूजियम इसमें इसके अंदर आप देखिए, ये है लाइटिंग सिस्टम, डायरेक्ट सन की लाइट अंदर आ रही है सारे में, पर ये पूरा खुला है, सन की लाइट का आ रहा है जस्ट ये वाला। ये देखिए आप, मैं इसको कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या है वो सब इसके अंदर शो हो रखा है। ये हमारे आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनकी ये प्रतिमा। बना रखा है, जितने हमारे पक्षी जानवर वगैरह हैं। वो को ऊपर लेके जाएंगे। अभी हम जो सरदार जी की चेस्ट जो जिस हाइट पे बनी हुई है उस वाले फ्लोर पे हम आए हुए हैं, और फिर हम आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं। बटन बता रहा हूँ नीचे। अच्छा, देख, डाउन का एक गेट खुला हुआ है, तो ठीक है। ये देखिए, अभी अभी डैम का भी देखिए आप, अभी ये डैम का एक गेट खोला हुआ है, वाटर का इतना क्या फ्लो रहता है उस हिसाब से ये खोलते बंद करते रहते हैं। ये देखिए, अरे
सरदार सरोवर डैम, ये हम जो सरदार पटेल जी की चेस्ट पे जो बनी हुई है उनकी स्टैचू, वो चेस्ट के पहले फ्लोर पे हम आए हुए हैं, वहाँ से व्यू है ये नीचे तक का पूरा। दोस्तों नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। यह एंट्री पर भी लाइन है, एग्जिट नीचे जाने के लिए भी लाइन बनी हुई है। ये अंदर अंदर का दिखाते हो आप, इसका वजन है 1700 मैट्रिक टन कपड़े का वजन और 6000 जितने ब्लेड ज्वाइंट किए गए कि कोई भी पार्ट को डैमेज होगा तो दूसरा बदल सकते, इसलिए येलो कलर का स्टिक नंबर दिया गया है। और ये अंदर का स्ट्रक्चर है वाइट है ना, हाँ ये स्ट्रक्चर है अंदर स्टील है, स्टील है पूरा। 6000 मैट्रिक टन, 6000 मैट्रिक टन स्टील। और आयरन भी तो था भैया, लोहा नहीं था? लोहा ये पिलर के अंदर। अच्छा, इस पिलर के अंदर। ओके, लोहा को बाहर रखते हाँ तो जंप लग जाता। अच्छा, तो इसको कवर किया है, कवर कर रखा है लोहे को? हाँ, लोहा इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। अच्छा, ये 6000 मेट्रिक टन। अब मैं दिखा नहीं पाऊंगी नीचे तक का तो, क्योंकि शीशा लगा हुआ है। 6000 मेट्रिक टन तो ओनली स्टील यूज की हुई है ये नीचे तक। और ये देखिए हम चेस्ट पे खड़े हैं और ऊपर तक जाने का देखो अभी कितना ऊपर जाने है। और ये इस वाले स्ट्रक्चर में आयरन को यूज किया हुआ है। ये अभी अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई है क्योंकि दो ही लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए। ये वल्लभ भाई पटेल जी के पूरी लाइफ का बता रखा है डिजिटलाइजेशन के थ्रू। चलो
लाइब्रेरी, ये म्यूजियम है दोस्तों। नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। माटी के लाल धरती पुत्र वल्लभ भाई पटेल जी। उनके लाइफ के बारे में जो जो उन्होंने किया है काम वगैरह, जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष, स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो हिंदी में, इंग्लिश में और ये गुजराती में, तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये देखिए क्या सुंदर स्ट्रक्चर है। ये म्यूजियम है। डिजिटलाइज शपथ है तो यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह डाल सकते हो, जैसे कि हरी के व्लॉग्स के लिए बनाते हैं हम, हरी के वी, तो हरी के व्लॉग से जो भी ऑडियंस जुड़ी हुई है, सारे फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं, तो उन सभी की तरफ से एज 45 ले लेते हैं। कहाँ से है तो ये भी हम डालते हैं, इंडिया से, सारे के सारे इंडिया। ठीक है, ये हुआ हरी के व्लॉग्स के लिए। इसमें हम करते हैं नेक्स्ट कौन सी वाली, हम करते हैं आई प्लेस टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स स्वच्छता भारत मिशन एटलीस्ट वंस ए वीक टू मेक माय इंडिया क्लीन नेशन। ये हम शपथ ले रहे हैं, तो इसको मैं क्लिक करती हूँ, ये क्लिक किया एंड देन मैं ये सबमिट करती हूँ। सबमिट करते ही देखिएगा, आप देख पा रहे हो हरी के व्लॉग्स के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में शपथ ली हुई है, प्लेज बोलते हैं इंग्लिश में। ये देखिए, ये हरी के व्लॉग्स की, ये डिजिटलाइज्ड ये सब शपथ लेने का है। जो जो यहाँ पे करके जा रहा है उनका इधर से एंट्री करनी है, वहाँ आपका फिर सामने शो करेगा। जैसे ये अपना हरी के व्लॉग्स, ओ वाओ, ये देखो सामने का नजारा। तो चलिए दोस्तों, हमने हमारा वादा पूरा किया और आप भी अपना वादा पूरा कर दीजिए दोस्तों।
खैर आपने वादा तो नहीं किया था, लेकिन दोस्तों आपका फर्ज बनता है, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देने का मन करता है। तो दोस्तों वीडियो का यही एंड करते हैं और वीडियो के बाकी का पार्ट हम आपको अगले पार्ट में दिखा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इतना टाइम किसी भी दोस्त के पास होता नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगला पार्ट बनाना हमारी मजबूरी है, उसके लिए श्योरी। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।